जय हिंद प्यारे बच्चों, छठी की संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ संख्या 2, शब्द परिचय, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि आप पहले से ही परिचित हैं कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत में 3 लिंगों और 3 वचनों में विभक्त किया गया है। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंगों की संख्या 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का ज्ञान कराए उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। नपुंसकलिंग, जो नए पुरुष जाति का बोध कराए और नए ही स्त्री जाति का ज्ञान कराए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में वचनों की संख्या भी 2 की बजाय 3 है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, एक वचन में एक ही संख्या का बोध होता है, जैसे वानरह है एक बंदर, बालकह है एक बालक, वृक्ष है एक पेड़, मुष्कह है एक चूहा। द्विवचन, जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे वानरौ 2 बंदर, बालकौ 2 बालक, वृक्षौ 2 वृक्ष, मुष्कौ 2 चूहे। बहुवचन, अब आप बहुवचन के विषय में जानेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकाः अनेक बालक, गजाः अनेक हाथी, घटाः बहुत सारे घड़े, वानराः बहुत सारे बंदर। अगर आपको एक अकारांत शब्द रूप याद हो जाता है, अकारांत से आप क्या अर्थ लेंगे? अकारांत शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द के अंत में ए की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बालक, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो बे आ ले प्लस ए प्लस के प्लस ए। आप देखेंगे कि हर व्यंजन में एक स्वर छुपा हुआ है। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो हर व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं, और जब अंतिम स्वर की ध्वनि ए की सुनाई देती है तो उसे अकारांत शब्द रूप कहते हैं। अगर आपको एक अकारांत शब्द रूप याद हो जाता है तो अन्य अकारांत शब्द भी, जिस भी शब्द के अंतिम ध्वनि ए होगी तो वो उस शब्द रूप को आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। एक शब्द रूप को अच्छी तरह से याद करने के बाद अन्य शब्द रूप भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो पुरुष जाति का बोध कराएं उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराएं उसे स्त्रीलिंग, और जो नए पुरुष जाति का बोध कराएं और नए ही स्त्री जाति का बोध कराएं उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे बालकह है, बालकह शब्द का प्रयोग एक बालक के लिए किया गया, बालकौ, बालकौ शब्द का प्रयोग 2 बालक के लिए किया गया, बालकाः, बालकाः शब्द का प्रयोग अनेक बालक के लिए किया गया। बालक की तरह ही आप वानर शब्द को भी उसी प्रकार चला सकते हैं, वानरह है, वानरौ, वानराः, वानरह है एक बंदर के लिए, वानरौ 2 बंदर के लिए, वानराः अनेक बंदर के लिए। चस्कह है, चस्कौ, चस्काः, चस्कह है शब्द का प्रयोग होगा एक गिलास के लिए,
चस्को दो गिलास के लिए, चस्का हा अनेक गिलास के लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ बालक शब्द बालके है, बालक शब्द एक वचन है, तो वर्तमान लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन के साथ ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बालके है पठती, बालक शब्द एक वचन है, तो लट लकार में एक वचन के साथ धातु के साथ ती का प्रयोग होता है। धातु कोई भी हो सकती है, पठ, नम, खाद, धाव, लेकिन प्रत्यय अंत में केवल ती ही लगेगा। प्रत्यय से बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का रूप बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालके है पठती, बालक एक वचन है तो हम कहेंगे पठती, लट लकार वर्तमान काल में, बालके है पठती। बाले है नमती, बालक नमस्कार करता है। शिष्य है पठती, शिष्य पढ़ता है। यहाँ मैं सभी एक वचन के उदाहरण बता रही हूँ। एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन के साथ धातु कोई भी हो, लट लकार में ती का, ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। नर है नमती, मनुष्य नमस्कार करता है। छात्र है पठती, छात्र पढ़ता है। स नमती, वह नमस्कार करता है। वानर है खादती, बंदर खाता है। अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ता है। स खादती, वह खाता है। मृग है धावती, हिरण दौड़ता है। खग है खादती, पक्षी खाता है। सिंह है धावती, सिंह शेर, शेर दौड़ता है। अब बालके में अंतिम वर्ण की ध्वनि ए है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। बाले में भी अंतिम ध्वनि ए है, तो ये अकारांत शब्द रूप का उदाहरण है। वानर है, अश्व है, खग है, इन सब की अंतिम ध्वनि ए है, तो ये पुल्लिंग में एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन के साथ लट लकार वर्तमान काल में ती धातु कोई भी हो, ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के तौर पे कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द भी दिए गए हैं जिसका मैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों रूप बताऊंगी। जैसे कि वृषभ है बैल, वृषभ है एक बैल, वृषभहु बहु दो बैल, वृषभाः अनेक बैल। दीप है एक दिया, दीपौ दो दिए, दीपाः अनेक दिए। कंस है एक कटोरा, कंसौ दो कटोरे, कंसाः अनेक कटोरे। खग है एक पक्षी, खगौ दो पक्षी, खगाः अनेक पक्षी। कपोत है एक कबूतर, कपोतौ दो कबूतर, कपोताः अनेक कबूतर। घट है एक घड़ा, घटौ दो घड़े, घटाः अनेक घड़े। बक है एक बगुला, वकौ दो बगुले, वकाः अनेक बगुले। मेघ है एक बादल, मेघौ दो बादल, मेघाः अनेक बादल। अच्छा बच्चों, अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप किसे कहते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस शब्द के पीछे अंतिम ध्वनि ए की होती है उसे हम अकारांत शब्द रूप कहते हैं।